बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? हमने अपना केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 2 कवर करना है, विच इज़ फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 9। इसका वर्स का नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ईजी है, हम 3 शॉर्ट क्वेश्चन डन करेंगे और आज एक लॉन्ग क्वेश्चन को हम डन करेंगे। हमारे पास 3 डेफिनेशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये तीनों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये जो हमारे पास ये है कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये बच्चे तीनों शॉर्ट और ये दोनों लॉन्ग, एक ही लॉन्ग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप बुक खोलें, बुक से हम आपको रीडिंग करते हैं, साथ साथ आपको बताते हैं हमारे पास ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, हम पेज नंबर अपना 6 खोलें। पेज नंबर 6 में लिखे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कह रहे हैं हमारे पास व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम। हमारे पास कह रहा है कि जिस स्पीड से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो रिएक्शन का मिक्सचर है वो हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ए लिया है और बी, उससे क्या बन गया हमारे पास सी और डी। ए भी लिया 50 ग्राम, बी भी लिया 50 ग्राम, तो हमारे पास उससे क्या बनेगा, सी और बी भी 50 ग्राम ही हमारे पास बनेगा। वो ये नहीं होगा कि कम नहीं होगा हमारे पास, ये नहीं होगा 100 ग्राम से 90 ग्राम नहीं बनेगा, यानी जो रिएक्शन का मिक्सचर होगा वो भी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल का मतलब कोई भी केमिकल यूज के लिए हमने, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, यानी अभी हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो किस फॉर्म में है, बैलेंस फॉर्म में हमारे पास, में कोई बैलेंस अब कमी नहीं है। अगली बच्चे पढ़ेंगे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब हमारे पास होता है स्टोर, वो रिएक्शन जो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए, स्टबर्न हो जाए, वो रिएक्शन आगे चले ही ना, उससे कहेंगे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब हम बात करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पास क्या होता है, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड होती है सेम, लेकिन उनकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल, ए और बी मिले जिस स्पीड से, उसी स्पीड से सी और डी बने, और सी और डी मिली उसी स्पीड से मिलकर बना दिया ए और बी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। ये हमारे पास जा रहा है लेफ्ट टू राइट, वो हमारे पास जा रहा है राइट टू राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। होप्स आपको समझ आ गई होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। एक दफा बुक से पढ़ लेते हैं आपका, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। केमिकल दोबारा पढ़ते हैं, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। When the reaction ceases to proceed, यानी ceases to stop, वो आगे जा ही नहीं रहा, इसका नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। When reaction does not stop, only the rate of forward reaction and the reverse reaction become equal to each other, but take place in a opposite direction, this is called as a dynamic equilibrium state. अब बच्चे पढ़ेंगे इसकी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। 5 प्रॉपर्टीज पीछे हमने याद करने से प्रॉपर्टी है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। यहाँ पास अगर टेस्ट ट्यूब क्लोज होगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? यानी ए प्लस बी मिल रहे हैं, उसी तरह क्या बन रहा है, सी प्लस डी। लेकिन अगर सिस्टम खुला होगा, सी प्लस डी उठ के चला जाएगा, तो दोबारा ए प्लस बी नहीं बना पाएगा। सिस्टम बंद रख दो, वही आपस में यानी अंदर ही लड़ते जा रहे हैं, दरवाजा ही खुला हुआ तो अंदर ही आपस में ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस बी और सी प्लस डी बनता जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का मतलब है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस इन द सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, बस रेट सेम होगा हमारे पास। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, यानी ऊपर जितनी अमाउंट है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की भी उतनी होगी, प्रोडक्ट की अमाउंट है रिएक्टेंट की भी उतनी ही अमाउंट होगी। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी वगैरह भी चेंज नहीं होती। फोर्थ पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेट हैज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी हम रिएक्टेंट से शुरू करें या प्रोडक्ट से, हमेशा इक्विलिब्रियम ही की स्टेट ही कहलाएगी। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दूं, कैसे, यानी इसमें मैं अगर कोई चीज ऐड कर दूं या टेम्परेचर वहां से हटा दूं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए तो जो पहली कंडीशन थी मैं कंडीशन दोबारा दे दूंगा, तो बस इक्विलिब्रियम स्टेट वो दोबारा आ जाएगी। ठीक हो गया, आज हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, और व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तीनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।